टीटू एट शेरू मूवी, ये मूवी देखकर आपके दिमाग में यही आएगा कि एक संस्कारी लड़की है जो सबके सामने संस्कारी बनने का ढोंग करती है, लेकिन होती वो जलेबी की तरह सीधी। क्योंकि भाई इस मूवी में वो बंदा जिसने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने के लिए सबको मजबूर कर दिया, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो चमकता सितारा मार्केट से गायब है। मैं बात कर रही हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की और उनके साथ है अवनीत कौर। तो भाई आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देखने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि इस मूवी में है गालियों का भंडार, यानी कि इस मूवी में थोड़े से एडल्ट सीन है और गालियां तो भाई भर भर कर है। इस मूवी कहानी है जूनियर एक्टर की जो मूवीज में छोटे मोटे रोल करता है, लेकिन एक दिन उसको मिलती है उसके सपनों की रानी और भाई उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद एक स्ट्रेटेजी शुरू होती है उनकी लाइफ में, ये ट्रेजेडी आती है अवनीत कौर से मिलने के बाद। यानी कि जब उनकी शादी होती है तो उनकी अगली सुबह दिखाई जाती है सीधे हॉस्पिटल में, और दिखाया जाता है कि लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश करी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लड़के की वजह से, और सीधा इल्जाम लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। तो भाई इस मूवी में क्रिएट करने की कोशिश की गई है सस्पेंस, जो आपको इस पूरी मूवी में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, ये मेरा मानना है। और ये आप लिख के ले लो कि जब आप इस मूवी को देखोगे ओटीटी पर तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपने 3 घंटे बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि इस मूवी में जरूरत ही नहीं थी अवनीत कौर को लेने की। अगर तुम्हें ऐसे सीन्स दिखाने थे कि लड़की को थोड़ा सा एडल्ट दिखाना है या उससे थोड़े बोल्ड सीन्स भी कराने हैं, तो भाई तुम्हें क्या जरूरत थी अवनीत कौर को लेने की, तुम तो ले सकते थे कोई बड़ी एज की लड़की। लेकिन यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि टारगेट किया गया है कि इतने बड़े लड़के के साथ इतनी छोटी लड़की को दिखाने के लिए, और फिर जबरन उससे ऐसे ऐसे सीन कराए गए हैं कि इस मूवी में नहीं दिखाया जाता था, भाई हम ये कहेंगे कि ओटीटी पर जैसे कि बुलबुल सीरीज आई, बुलबुल सीरीज आने के बाद बहुत सी ऐसी सीरीज आई जिसको हम कहते थे कि हाँ इस कंटेंट में दम है, लेकिन इस सीरीज को देखने के बाद, यानी कि सॉरी इस मूवी को देखने के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि इसके कंटेंट में कुछ भी दम है। जबरन इस मूवी को ओटीटी पे रिलीज कराया गया है और ओटीटी पे रिलीज कराने के बाद भी इसका बिल्कुल कचरा हो चुका है, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद आप अपना सर पकड़कर बैठ जाओगे और बोलो कि मैंने क्यों इसके लिए 3 घंटे अपने बर्बाद करे हैं। मूवी में डायलॉग कहीं पे भी आपको सुटेबल नहीं लगेंगे, बिल्कुल बकवास डायलॉग हैं, गालियां हैं भर भर कर इस मूवी में। इस पूरी मूवी में सस्पेंस है, जो आपको सस्पेंस ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप सस्पेंस में ही घूमते रहोगे और आप ये कहोगे कि 3 घंटे में इन्होंने सस्पेंस दिखाने की कोशिश तो करी है, लेकिन उस मूवी में सस्पेंस है कहाँ पे भाई, कोई ये तो बताए। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग की बात करते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, पूरी मूवीज में वो इतनी अच्छी एक्टिंग अब तक करते आए, यानी कि उन्होंने बिल्कुल अपनी एक्टिंग का कचरा कर लिया है इस मूवी में। मैं यही बोलूंगी कि ओटीटी पे हमेशा अच्छा कंटेंट आता है, लेकिन अब मेकर्स को पता नहीं क्या हो गया जो वो ओटीटी पर इतना बकवास कंटेंट रिलीज कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि भाई इस मूवी को आप मत देखो, आप अपने 3 घंटे भी बर्बाद मत करो, क्योंकि जबरन एक 22 साल की या 23 साल की लड़की को अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया गया और फिर उसके साथ ऐसे ऐसे सीन कराए गए हैं इस मूवी में। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अवनीत कौर कैसे मान गई इस रोल को करने के लिए। I mean, उनका अच्छा खासा मतलब की फैन फॉलोइंग है, अच्छा खासा उनका ब्रांड एंडोर्समेंट है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में कि उन्होंने किस प्रेशर में आके इस रोल के लिए हाँ करी है। हाँ मेरी साइड से ये मूवी अच्छी नहीं है, मैं आपको यही बोलूंगी। बाकी अगर आप देखते हो आपको अच्छी लगती है तो वो अपना अपना ओपिनियन है। मैं इस मूवी को बस यही बोलूंगी कि अगर इस मूवी को अलग वे में बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, अगर अवनीत कौर इसमें नहीं होती, उनकी कास्टिंग नहीं होती और इसको किसी और के साथ बनाया जाता तो भी बहुत बेस्ट था। सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।